महिला शतरंज ग्रैंडमास्टर ने क्वींस गैम्बिट में झूठे दावे पर नेटफ्लिक्स पर मुकदमा दायर किया। शतरंज ग्रैंडमास्टर नामित होने वाली पहली महिला नोना ग्रैंपिडाश्विली ने सितंबर में संघीय अदालत में स्ट्रीमिंग कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। नेटफ्लिक्स को जॉर्जियाई शतरंज मास्टर द्वारा $5 मिलियन मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उनका आरोप था कि उन्हें हिट सीरीज द क्वींस गैम्बिट में बदनाम किया गया है। ग्रैंपिडाश्विली का आरोप है कि द क्वींस गैम्बिट की एक लाइन जहां एक कैरेक्टर कहता है कि उसने कभी पुरुषों का सामना नहीं किया बेहद सेक्सिस्ट और छोटा है। ग्रैंपिडाश्विली ने 1968 तक 59 पुरुष प्रतियोगियों के खिलाफ खेला था। 27 वर्षीय की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार 28 जनवरी को पुष्टि की कि अहमदाबाद के जमालपुर इलाके के मुस्लिम मौलवी जिन्होंने कथित तौर पर 27 वर्षीय किशन भारवाड़ के हत्यारों को हथियार मुहैया कराए थे को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशन की 25 जनवरी को धंधुका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपने चचेरे भाई के साथ अपने दोपहिया वाहन पर मोडवाड़ा इलाके से गुजर रहा था। उसने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था जिसने कुछ मुसलमानों को नाराज कर दिया, जिसके बाद दो मौलवियों के निर्देश पर हत्या को अंजाम दिया गया था। अंडर 19 विश्व कप सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत U19 बनाम बांग्लादेश U19 क्वार्टर फाइनल 29 जनवरी शनिवार को एंटीगुआ के कुलीज क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत में ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत बनाम बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल का लाइव टेलीविजन कवरेज प्रदान करेगा। ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखने के लिए Disney+ Hotstar देखें। आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने पंजाब धूरी से नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के संगरूर जिले के धूरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। श्री मान वर्तमान में संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब संगरूर जिले के धूरी निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनाव लड़ेंगे। 1973 में संगरूर के सतोज गांव में जन्मे श्रीमान ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमेडियन के रूप में की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2011 में पंजाब पीपल्स पार्टी से की, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह बादल कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति में उनका महत्व तब बढ़ गया जब उन्होंने पंजाब के अनुभवी नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को हराया, जो उस समय शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा थे।